हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेला, बैगन और कद्दू से बनी एक मिक्स वेजिटेबल। ये एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दो करेले। करेले को मैंने दो भागों में काट लिया है और फिर उसके जो बीजे हैं वो मैं निकाल लूँगी और बाद में करेले को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। अब मैं इन करेले को नमक वाले पानी में भिगो कर रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि उसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बैगन लिया है जिसके मुझे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और मैंने एक कप कद्दू भी काट कर अलग से रख दिया है। अब मैं पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी और मैंने इसमें जो करेले काटे थे वो मैंने डाल दिए हैं। इसको मुझे हल्का ब्राउन होने तक तलना है। करेले जो है वो हल्के कुरकुरे हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल दूँगी। अब मैं सेम पैन पर बैगन और कद्दू डालूँगी, इनको भी मुझे हल्का फ्राई करना है। तीन से चार मिनट तक फ्राई करने के बाद देखिए जो बैगन और कद्दू है वो हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब सेम पैन में मैं 2 बड़े चम्मच और ऑयल डाल रही हूँ और इसमें तड़का डालने के लिए मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है, 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डालूँगी राई के दाने और 1 छोटी चम्मच मैं इसमें डालूँगी मेथी के दाने। गैस का जो फ्लेम है वो एकदम धीमा रहना चाहिए। अब मैं इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 4 से 5 मैंने यहाँ पर लहसुन की जो कलियाँ है वो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, वो मैं डालूँगी। इन सबको मुझे धीमी आंच पर 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। कुछ ही देर में जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 3/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और अंदाजे से मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। अब जो मैंने सब्जियां फ्राई किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर मैं इसमें डालूंगी और मसालों को अच्छे से मिक्स करके हमें धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकाना है। 2 मिनट के बाद हम सब्जियों को दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा कवर करके पकाएंगे। ये प्रोसेस हम दोबारा से 2 या 3 बार रिपीट करेंगे जब तक कि जो सब्जियां है वो हमारी गल ना जाए। करीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो हमारी सब्जियां है वो एकदम पक गई है और आज की जो रेसिपी है वो हमारी एकदम तैयार है, कद्दू, करेला और बैगन की मिक्स वेजिटेबल सब्जी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को।